नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। अपराध पर अंकुश लगाने में योगी सरकार के निर्देश पर कन्नौज के पुलिस अधीक्षक किरीट राठौड़ अब अक्षय कुमार की हिंदी फिल्म राउडी राठौर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। राउडी राठौर की मूंछ और हूबहू वैसे ही दिखने वाले कप्तान को आम लोग भी किसी फिल्मी पात्र की तरह ही देखने लगे हैं। कप्तान दोपहर हो या शाम खुद ही फोर्स लेकर सड़कों पर पैदल गश्त करते नजर आते हैं। वाहन लुटेरे हो या अवैध शराब माफिया, सब जेल की सलाखों के पीछे ठूसे जा रहे हैं। शराब ठेके व सड़कों पर छेड़छाड़ करने वाले शोहदों पर अचानक किसी भी वक्त कप्तान के एक्शन से वो बच नहीं पाते। माइक से अनाउंस कराकर सड़क यातायात सुधार या वाहन चालकों को नसीहत, सब जतन किए जा रहे हैं। कप्तान के सड़क पर पैदल छापेमारी व एक्शन से आम जनता को सुकून मिला है, वहीं अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। पुलिस अधीक्षक की इस कार्यशैली से आम जनमानस भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अभी तक तो मैंने केवल फिल्मों में देखा था कि जिस तरीके से वहाँ हीरो काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, जनता में उनका एक अच्छा संदेश जाता है, वो केवल उन्हें एक आर्ट देखी धमकी। लेकिन आज हम वास्तविकता में देख रहे हैं कि हमारे जो कप्तान साहब आए हुए हैं उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं और जनता में इसका अच्छा संदेश जा रहा है। हमारा तो ये कहना है कि इसी तरीके से उनकी कार्यप्रणाली रही तो अपराधी जेल में होंगे और सज्जन ये महसूस करेंगे कि वाकई हमारे जनपद में कोई अच्छे कप्तान आए हैं और हम इन कप्तान साहब की कार्यप्रणाली से बहुत ही खुश हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये उत्तरोत्तर ऐसी प्रगति करें और जनता में जिस तरीके से आज वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उस तरह से अगर कार्य करते रहे तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक अच्छा कप्तान दिया हुआ है। सड़क पे खुद पैदल गश्त करेंगे और लोगों से कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे और लोगों को जो नियम कानून है उसके बारे में अवगत कराएंगे, यातायात के जो रूल्स है उससे भी अवगत कराएंगे। तो इसी के तहत आज ये हमने एक पैदल गश्त का आयोजन किया था, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। देखिए, सुधार के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यातायात नियमों का पालन एक तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाना, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाना, उनको हिदायत दिया जाना। तो अभी हमारा जो फोकस है वो यही है कि लोगों को अवगत कराया जाए और उनको हिदायत दी जाए कि ये लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट लगा के चले जो इनकी सुरक्षा के लिए है, तीन सवारी टू व्हीलर्स पर ना चले। तो इन सभी चीज़ों का आज हमने इसमें समावेश किया था और मुझे लग रहा है कि लोगों का भी अच्छा रिस्पॉन्स था, वो खुद ही इसके लिए तैयार थे कि नेक्स्ट टाइम से जो है हम लोग नियमों का पालन करेंगे। एक घटना ये थी, एक 29/3/18 को एक दूसरी घटना हुई थी जिसमें सलमान पुत्र गुड्डू से जो ये जा रहे थे तो बाइक सवार दो व्यक्ति इनका मोबाइल इनके हाथ से छीन के भाग गए थे। तो ये दोनों ही घटना का अनावरण हुआ है और इसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, अमन उर्फ लंबू पुत्र बल्ला गिहार, ये ग्राम खांडे देवर का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त है सुमित कुमार पुत्र सुरेश चंद्र। और इसमें इस खुलासे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनको जो पीड़ित व्यक्ति है उसने पहचाना है और उसका सामान तो बरामद हुआ ही है। इसके अलावा भी तीन व्यक्ति मिलके इन्होंने और भी जगह लूट की घटनाएं कारित करी है और इनके कब्जे से करीब 17 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तो इसमें आगे भी हम लोग इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और ये अभी प्राइम ऑफिस ये लग रहा है कि काफी टाइम से इस तरीके की घटनाएं करने में शामिल रहे हैं। इसमें अभी जो दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसमें अमन की एज तो 22 साल के आसपास की है तो वो बालिग है। सुमित कुमार पुत्र सुरेश चंद्र है, ये अभी प्राइमरीली जो जांच हुई है उसमें नाबालिग पाया गया है तो इसको अकॉर्डिंगली जुवेनाइल वार्ड से फिर हम लोग डील करेंगे। 31/3/2018 को थाना सौरिख पड़ता है, वहाँ से कुछ लोग जो है एक बोलेरो चालक को रेंट पे ले गए थे सैफई और वहाँ से एक मरीज को लाने की बात कही थी उसको और फिर बोलेरो
चालक उनके साथ गया, वहाँ से एक मरीज को इन्होंने बिठाया और वापस आते समय रास्ते में गाड़ी रुकवा के इन्होंने इससे गाड़ी की चाबी छीन ली और इसको गाड़ी से फेंक दिया और वो बोलेरो लूट के फरार हो गए थे। तो इसमें हमने अपनी स्वाट टीम को लगाया था और इसमें अल्टीमेटली हमें सफलता मिली है। ये 6-7 लोगों का गैंग है, इनका मेन काम यही है कि मिलके ये लोग लूटपाट करते हैं या व्हीकल की लूट करते हैं या लोगों से, महिलाओं से ज्वेलरी वगैरह की लूट करते हैं। इसमें हरवीर कठेरिया है, ये जनरली लोगों को इकट्ठा करके ये क्राइम कराता था। और इसमें जो अवधेश उर्फ टिंकू, एक जो पकड़ा गया है, उसकी क्राइम हिस्ट्री हमारे जनपद में है। इसके खिलाफ 302, 394, 356 के 3 मुकदमे हैं, 392 का एक पुराना मुकदमा है। तो इसकी एक क्राइम हिस्ट्री भी है। बाकी लोग जो है जनपद मैनपुरी से जुड़े हुए थे।